हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शनि पनी एजुकेशनल अकेडमी। टुडे वी स्टार्ट अवर सेकंड लेसन। ठीक है, हमारा सेकंड लेसन सेकंड पोएम है, उसका नाम है डियर मम। तो ये जो लेसन है, हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट लेसन है सीक्रेट्स, उसका स्टडी किया था, उसकी स्पेलिंग्स करी थी, उसकी एक्सरसाइज की आपको PDF फाइल भेज दी गई थी। ठीक है, तो आज हम हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो ये नेक्स्ट लेसन है हमारा, उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो ये जो भी यहाँ पे पोएम है उसके बाजू में हमें अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं, तो उस पिक्चर्स को देख के हम पोएम का स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डियर मॉम, व्हाइल यू वेर आउट अ कप वेंट एंड ब्रोक इट सेल्फ। कि डियर मॉम, तो मॉम को कहते हैं कि जब तू बाहर थी, यू वेर आउट बाहर थी, तब कप अपने आप ही फूट गया, टूट गया, ब्रोक यानी कि टूट जाना। यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं कप क्या हुआ है, टूट गया है। उसके बाद का देखते हैं, अ क्रैक अपीयर इन द ब्लू वास, योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडड ब्राउट बैक फ्रॉम मिस्टर मिंग इन चाइना। कि चाइना से जो मिस्टर मिंग के पास से जो हमने वो ब्लू वास यानी कि ब्लू कलर का जो फुलडन दिया हुआ था, यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं फुलडन, उस पर क्रैक यानी कि उस पर दरार आ गई। यहाँ पे हम दरार भी देख सकते हैं कैसे फुलडन क्रैक हो गया है। उसके बाद का देखते हैं, सम हाउ विदाउट मी इवन ट्यूरिंग ऑन द टैप द सिंक मिस्टरली ओवरफ्लोड। क्या कह रहे हैं कि बिना मेरे नर चालू किए, यहाँ पे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, बिना मेरे नर चालू किए कि जो सिंक है वो अपने आप ही ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंक क्या हो रहा है, अपने आप ही ओवरफ्लो हो रहा है। मिस्ट्रीज यानी कि कोई रहस्यमय लग रहा है। अ स्ट्रेन जम स्टेन अबाउट द साइज ऑफ अ बॉयज हैंड कि अपीयर ऑन द किचन वॉल। जो हमारा किचन की जो जगह है, किचन की जो दीवार है, उसके ऊपर एक बॉय के जो निशान है हाथ के, वो जम हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वो निशान जम हो गए हैं, निशान पड़े हैं कोई बॉय के हैंड के। आई डोंट थिंक वी विल एवर डिस्कवर एग्जैक्टली हाउ द कैट मैनेज टू टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन। क्या कह रहे हैं कि ये जान पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एक बिल्ली अपने आप वॉशिंग मशीन चलाने को मैनेज कर रही है। और हाउ द शीश पैट रैबिट वेंट एंड मिस्टूक द वेस्ट डिस्पोजल यूनिट फॉर अ ब्यूरो। आई कैन टेल यू आई वॉज स्कैर्ड वेन एज इफ बाई मैजिक अ सीरियस ऑफ मडी फुटप्रिंट्स अपीयर ऑन द न्यू वाइट कारपेट। क्या कह रहे हैं कि जो शीश का जो पैट है रैबिट, ठीक है, वो जाता है मिस्टूक द वेस्ट डिस्पोजल यूनिट फॉर अ ब्यूरो। जो डिस्पोजल जो वेस्ट होता है वो फेंक देता है। आई कैन टेल यू आई वॉज स्क्रेड एज इफ बाई मैजिक। ये सब जो जादू से हो रहा है वो सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। स्क्रेड यानी कि डर जाना। अपीयर ऑन द न्यू वाइट कारपेट, न्यू कलर का जो वाइट कारपेट है उसके ऊपर फुटप्रिंट पर से गंदे मडी फुटप्रिंट्स यानी कि गंदे फुटप्रिंट्स जो पड़े हैं अपीयर ऑन द न्यू वाइट कारपेट पे पड़े हैं। आई वॉज बीइंग गुड बट आई थिंक द हाउस इज हॉन्टेड शो, नोइंग यू आर गोइंग टू हैव अ फिट आई हैव गॉन ओवर अ ग्रांच फॉर अ बिट। कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा सोचता हूँ कि ये जो घर है वो घर कैसा है। हंटेड का मीनिंग यहाँ पे होता है अ प्लेस विजिटेड बाई स्पिरिट्स और गोस्ट यानी कि भूत घर। हम भी ऐसे कई बार पिक्चर्स में सीरियल्स में देखते हैं, भूतनाथ मूवी है, बहुत सारे ऐसे भूत की चीज़ें हैं जो हमने देखी है पिक्चर से सीरियल से। तो वो राइटर क्या कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो घर है वो घर किसका है, भूत का घर है। नोइंग यू आर गोइंग टू हैव अ फिट आई हैव गॉन ओवर टू ग्रैंड्स फॉर अ बाइट। ग्रैंड का मीनिंग होता है शॉर्ट फ्रॉम फॉर ग्रैंड मदर। कि जब तू ऐसे चली जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहाँ पे चली जाना चाहिए, दादी के पास चले जाना चाहिए। कि जब मम तुम घर पे नहीं रहती तो मुझे ऐसा लगता है मुझे दादी के पास चले जाना चाहिए। तो ये ऐसे मम्मी को कह रहे हैं राइटर, तो उसके
ऊपर उस वो टॉपिक के ऊपर हमें अलग अलग पिक्चर्स दिए हुए हैं। वो पिक्चर्स का मीनिंग क्या होता है वो हमें बाजू में पोएम में दिया गया है, ठीक है। अलग अलग पिक्चर्स का अलग अलग स्टैंजा दिए गए हैं, ओके। और उसका जो ये इसका जो एक्सरसाइज है उसकी आपको पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।